एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं आई हूँ अपने रूम में, आप लोग देख रहे होंगे मेरी मैडम भी मेरे साथ है। से हाय। तो आज मैं अपने रूम में आई थी एक्चुअली में थोड़ी सफाई करने के लिए। तो वहाँ मुझे अपनी अलमीरा में आज मिली मुझे अपने एक पुरानी से एल्बम, जिसमें मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो वो जो मैंने पुरानी यादें आज अपनी देखी, तो आई होप मैं आपको भी दिखाऊंगी तो आपको भी अच्छी लगेगी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके अब मैरिज हो गई है, अपनी फैमिली में सभी बिज़ी हैं, लेकिन आज मैंने अपनी वो एल्बम देखी तो मुझे वो सारे दिन फिर से याद आ गए जो हम लोगों ने साथ में बिताए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, कोई बात नहीं मैं ठीक कर दूँगी। तो मैंने सोचा आज आपके साथ वो शेयर करूँगी, क्योंकि और एक दूसरे के साथ सभी के साथ कनेक्ट होना इजी नहीं है, इसीलिए किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि हम एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड कर सके वापस से। तो वो दिनों को याद करते हुए आज मैंने आपके साथ भी अपने एल्बम के कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगी जो आपको आई होप अच्छे लगेगी। मैं आपको बताऊँगी हम स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में मैंने जो फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट किया था उसकी जो क्लिप्स है वो दिखाऊँगी। साथ में अपनी फैमिली के कुछ मेम्बर्स को के भी आपको पिक्स दिखाऊँगी कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आपको आज मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन है। तो लेट्स गो। ओके गाइस, ये पिक देख रहे हो आप लोग, ये मेरी प्लस वन की फेयरवेल पार्टी की पिक है। काफ़ी मैं हेल्दी थी, ये मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ पढ़ते थे, ये मेरे स्कूल में फंक्शन था उस टाइम की फ़ोटो है, और ये साथ में हमारे पीटीआई सर जी थे, ये हमारे इकोनॉमिक्स टीचर थी जो मुझे काफ़ी पसंद थी। ये देखिए, इस पिक में मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी उस टाइम की ये पिक्स हैं। ये भी फंक्शन की देख रहे हो आप लोग, ये देखिए मैं फंक्शन वगैरह में काफ़ी पार्टिसिपेट करती रहती थी। इन फ्रेंड्स की काफ़ी सभी की मैरिज हो गई है। ये है मेरे मम्मी पापा, इन्होंने करवा चौथ के टाइम में पिक ली है, ये भी फंक्शन के टाइम की फ़ोटो है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये इस तरह की पिक्स वगैरह लेते रहते थे। ये मेरे पापा, ये भी मम्मी पापा की फ़ोटोज़ हैं सारी। ये इसमें ये देखिए, ये जो हैं ऊपर दो खड़े, ये हैं मेरे चाची के लड़के, ये भी और ये भी, और ये मेरे चाची का बड़ा लड़का, ये मेरी दादी माँ और ये मैं हूँ। देखिए कैसी थी पहले, और ये इनमें से मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे छोटे चाचू, ये पापा, और ये मेरे बड़े चाचू हैं। इनमें ये मेरी मम्मी, ये मेरी दादी माँ, और ये मेरी बड़ी चाची, और ये मेरे छोटे चाची हैं। तो ये है मेरी मायके वालों की पिक्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने अपने मामा जी की लड़की की शादी के टाइम में नानी के घर में ली थी ये फ़ोटो, मैं और मम्मी है साथ में। तो ये सब फ़ोटोज़ वगैरह, ये भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स थी, हमने ये भी फेयरवेल पार्टी में ली हुई है फ़ोटोज़। इस तरह से फ़ोटोज़ की काफ़ी कलेक्शन है जो मुझे आज दिखी, तो मैं उन सभी पलों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स थी, अब तो इन्हें सभी की शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सभी अपनी लाइफ में बिजी हैं। ये मम्मी के साथ फ़ोटो करवा चौथ के टाइम ली थी, पापा है, मैं और मम्मी, हमारी छोटी सी फैमिली। तो ये करवा चौथ के दिन हम लोगों ने ली थी, हम लोग काफ़ी बार ऐसे करते थे, जब भी करवा चौथ होता था तो बुलाते थे फ़ोटो वाले को और साथ में काफ़ी फ़ोटो लेते थे। ये मम्मी पापा की फ़ोटो साथ की, ये मेरी और मेरी मम्मी की लास्ट पिक दोनों की साथ में है। ये थी वो पुरानी यादें जो मैंने आपको दिखाई आज, ये एक पिक पापा के साथ भी है। तो ये आज मैंने एल्बम निकाली थी तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ पुराने दिन। ये मेरी मम्मी, दादी और मैं बैठे हुए हैं, ये भी काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो ये मैंने आपको अपनी एल्बम की थोड़ी सी क्लिप यूं ही दिखा दी, एक्चुअली मैं देख रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और मुझे आपको एक बहुत बड़ी बात भी बतानी है, लेकिन अभी उसका सही टाइम नहीं है। एक्चुअली मुझे अपनी मम्मी के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, लेकिन अभी नहीं है सही टाइम बताने का, लेकिन मैं आपको वो बात ज़रूर बताऊँगी टाइम के साथ ही, अभी टाइम नहीं हुआ है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं एल्बम के यूं ही चलते चलते देख रही थी, आपको भी दिखा दिया। अब हमारे यहाँ मक्की खाने की तैयारी हो रही है, तो आज शाम का टाइम है, तो चलिए देखते हैं आज मक्की खाने का दिल है तो कैसे मैं सेकती हूँ मक्की और खाने का मज़ा लेते हैं। और साथ में आज रात को बन रहा है मटर पनीर, तो वो भी आपको रेसिपी, वैसे तो मैंने दिखाया है ऐसे बन के ही दिखाऊँगी कैसा बना था, तो चलिए देखते हैं
कैसा कैसा बनता है सब कुछ। ओके अब यहाँ शाम के टाइम ये देखिए यहाँ पे हो रही है मक्की पार्टी। यहाँ पे मैं मक्की सेक रही हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी, मैंने आपको पहले बताया था मुझे काफ़ी क्रेवी हो रही है खाने की, तो मैंने आज मम्मी को बोला हम खाएंगे साथ में, तो मैं यहाँ बैठी हूँ साथ में थोड़ी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी सीजन है खाने का, फिर कहाँ से मिलेगी, इसीलिए मैंने कहा मम्मी एक बार फिर खा लेते हैं, फिर मौका मिले ना मिले, इसीलिए यहाँ बैठ के मैं और मम्मी बना रहे हैं मक्की, खाने का मज़ा भी ले रहे हैं साथ में। और अब करते हैं तैयारी रात की। यहाँ मैं बना रही हूँ मटर पनीर जल्दी से, और ये रेडी है। ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि ये मैं फुलके के साथ बना रही हूँ, तो ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। तो ये होगा मेरा मटर पनीर रेडी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। ओके गाइस, तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और प्लीज वॉच पूरा किया कीजिए वीडियोस को, तभी हमें बेनिफिट होगा गाइस। और मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।